हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए लंच और डिनर में बनने वाली हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जो कि शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और दोस्तों, इस फूड को खाने से आपके बेबी का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी की हड्डियों की मजबूती भी बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर पैन रख लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और एक चम्मच घर का बना देसी घी ले लेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब दोस्तों, एक चुटकी जीरा ऐड कर लेंगे और जीरे को 10 सेकंड तक घी में अच्छे से चटकने देंगे। अब इसके बाद दोस्तों, आधा स्लाइस कद्दूकस किया हुआ संतरी गाजर ले लिया है, इसे पैन में ऐड कर लेंगे और संतरी गाजर को 1 मिनट तक घी में अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों, बेबी को संतरी गाजर देने से बेबी की आंखों की रोशनी तेज होती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, जो संतरी गाजर है अच्छे से भून चुका है। और 3 चम्मच पिसा हुआ ओट्स ले लेंगे। ओट्स को पैन में ऐड कर लेंगे और आधे मिनट तक ओट्स को भी अच्छे से संतरी गाजर में मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों, 100 ml के करीब पानी ले लिया है, लगभग एक मीडियम साइज कप के बराबर। धीरे धीरे इसे पैन में ऐड करते रहेंगे और गैस की फ्लेम पानी डालते समय लो कर लीजिएगा और अच्छे से करछी से मिक्स करते रहेंगे, ताकि जो बेबी के लिए फूड बना रहे हैं उसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, फूड में अब एक भी लम्स नहीं है। अब बेबी के फूड में एक चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर लेंगे और चुटकी भर बराबर किचन मसाला ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फूड को 2 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से उबाल लेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह फूड बेबी को बहुत ही पसंद आता है और बेबी इस फूड को बहुत ही चटकारे लेके भी खाता है। और आपके बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा है और इस हेल्दी फूड को आप अपने बेबी को रेगुलर तरीके से देंगे तो आपके बेबी का वजन भी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो फूड है बनकर रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और यहाँ पर हमने एक बाउल में 30 ग्राम के करीब कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया है, इसे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फूड को अब हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और अपने शिशु को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेंगे। जो मेरी शिशु है वो 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों, अगर आपका बेबी 9 महीने से ऊपर है तो आप इस फूड को अपने बेबी को आसानी से दे सकते हैं। बस दोस्तों, फूड की क्वांटिटी आप अपने बेबी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, फूड से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।